टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। यहां पर तीन कैंडिडेट हैं। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी हैं, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हैं और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शीला दीक्षित हैं। यानी तीनों कैंडिडेट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। यहाँ की जनता यानी कि सीलमपुर में हम लोग आए हुए हैं और सीलमपुर की जनता क्या कहती है, कौन होगा उनका अगला MP, उनके लिए किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर काम किया है, विकास किसने किया है, इसी को जानने के लिए हम लोग सीलमपुर में आए हुए हैं। सीलमपुर के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है और 2019 के सिलेक्शन में MP आप किसे चुनना चाहते हैं, कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर हो सकती है? हमारे लिए तो अभी कोई पार्टी सही नहीं है, इसलिए कि एक विधायक भूरा इशाक खान यहाँ से जीत कर किस पार्टी के विधायक? आम पार्टी का है, एक साल से उसको चार तो मैं कंप्लेन डाल चुका हूँ। किस लिए? ये रोड का हालात इतना खराब है, सीवर बंद पड़ा हुआ है, नमाजी को परेशानी है, आए दिन एक न एक एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ पे, कभी बाइक वाला टकरा जाता है बेचारा, कभी रिक्शा वाला गिर जाता है, कभी पैदल चलने वाला बच्चा गिर जाता है। आपने कभी शिकायत नहीं की? चार कंप्लेंट डाल गया, चारों कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं। कितने साल से? एक साल से परेशान है सर यहाँ से, एक साल से कम से कम कोई सुनवाई नहीं है। 1916 पे भी मैंने कंप्लेंट करा फोन के जरिए के जी आज आ रहे कल आ रहे, 23 तारीख का कंप्लेंट, आज 28 तारीख है, आज तक कोई सुनवाई नहीं किया। तो आप इस बार पूरा सीवर बंद पर वाला का यार, इसको बेहतर बनाने के लिए आप किसे वोट देना चाहते हैं इस बार, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी? अभी पहले जो आ करके बेहतर बना के जाएगा ना उसको वोट देंगे, जो बना के जाएगा, जो बना के जाएगा ना सही से उसको वोट देंगे हम। तो अच्छा ये बात है, ये बहुत बहुत नाराज दिख रहे हैं, ये पूरा जो है ये खराब है और इसके अलावा इसमें पानी जम जाता है, लोगों का कहना ये है। नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, ठीक है ना, और गलियाँ एक भी सही नहीं है, तुम जाके देख लो। अभी गंगा चले चले रे धारा, जमुना चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा इस पानी में, तैर के निकलना होगा, पूरे गांव के घात कह रहे हम। सीवर बंद पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक इस गली का और ये सामने वाली गली का पूरा सीवर बंद पड़ा हुआ है, कम से कम एक साल से पूरी गली का आदमी परेशान है, इस रोड पे बच्चा आए दिन गिर रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कार वाला। इससे पहले जो MP थे वो किस पार्टी से थे? वो तो तिवारी, मनोज तिवारी जी है। तो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया? मनोज तिवारी के पास हम नहीं गए, मनोज तिवारी थे बिल्कुल घटिया किस्म के, जो कि हमारे जो सांसद थे वो इस क्षेत्र के अंदर आके भी नहीं झांके कभी। मनोज तिवारी एक बार भी नहीं आया, कुछ भी कुछ काम किया उन्होंने? काम नहीं किया उन्होंने। विधायक सबसे घटिया विधायक भूरा शाह खान है यहाँ का, आम आदमी पार्टी का सबसे घटिया विधायक, कुछ भी नहीं करा है, अपनी अकर पे रहता है, जाहिल आदमी, उसको क्या पता कि इंसानियत किसको कहते हैं। वही है काम, कोई काम नहीं कराया 5 साल से, बिल्कुल भी कोई काम नहीं आया, इस रोड पे आज आया हूं, पानी रोज भरता है। सारे बच्चे से पूछ सकते हो आपके, मैंने 10 कंप्लेंट कम से कम डाला उसको ऑफिस में जाकर, सुन के राजी नहीं है कोई सुनवाई। आप पूरी तरह से इसलिए नाराज हैं क्योंकि हजारों बार कंप्लेंट डालने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे रोड इतना ज्यादा खराब है, लोग पूरी तरह से परेशान है। यहाँ पे विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी से है और MP बीजेपी से, मनोज तिवारी, इनका इन लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर एक बार भी झांकने तक नहीं आए, लोग यहाँ पर परेशान है, एक साल से पानी जम जाता है, सीवर खराब है, बंद पड़ा हुआ है, रोड पूरी तरह से खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बेहतर MP कौन हो सकते हैं? मनोज तिवारी हो सकते हैं बीजेपी से, या दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से, या कांग्रेस से शीला दीक्षित हो सकते हैं? ऐसा है भैया, आम आदमी पार्टी जो है बढ़िया है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल आएगी, आज भी आएगी, पहले भी आएगी। आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया है इस एरिया के लिए? उन्होंने बिजली पानी फ्री कर दिया, उनके चाहिए यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे हैं बिजली पानी फ्री नहीं किया। केंद्र के अंदर राहुल गांधी, दिल्ली सरकार में केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली सरकार में केजरीवाल, केंद्र में कांग्रेस। अच्छा, ये बात है, हाँ ईमानदारी की बात है। अच्छा, शीला दीक्षित आपको जिताना चाहते हैं आप लोग? शीला दीक्षित को जिताएंगे, उसको ऊपर वाला भी जिताएगा, तो ऊपर वाला भी जिताएगा, हाँ दिल्ली सरकार में केजरीवाल, पूरे कॉन्फिडेंस में। हाँ, इधर MP हो सकते हैं, बताइए यहाँ पे कौन बेहतर है? कांग्रेस आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होना चाहिए? कांग्रेस ही आनी चाहिए यार भाई, आप इनके सुन करके कांग्रेस बोल रहे हैं? सुन के इनकी बात नहीं, ये बताओ देश अभी तक चलाते हुए कौन आया है? कांग्रेस नहीं चलाया है। अच्छा, और आगे को कौन चलाएगा? कांग्रेस ही चलाएगी आपके लिए, ना किसी के बस की है। कांग्रेस ने यहाँ पे कुछ किया आपके लिए? और कुछ नहीं करा है, और किसी ने क्या करा है?
क्या क्या बताइए थोड़ा सा हमें ये बताओ और किसी ने क्या करा है? बस सारा कुछ सुन रहा है। कांग्रेस ने क्या बनावा, सब चीज बनी हुई कांग्रेस ने बनाई। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक आपके लिए बनाया है, पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया उन्होंने। ये देश ना किसी बनाना है, कांग्रेस के अलावा ना देश किसी से चलाए और ना चलेगा। आप बताइए, चले आप बताइए आपके लिए बेहतर एमपी कौन हो सकते हैं? यहाँ पर आपके इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेहतर एमपी कौन हो सकते हैं? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित, हाँ। क्या किया है आपके लिए? पूरा विकास किया है शीला दीक्षित ने, विकास, हाँ। किया। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, इनने क्या किया है? काम बहुत करा आम आदमी ने, जनता को लूटने का काम करा। अच्छा, लूटने का काम किया जनता को। बीजेपी ने कुछ किया? मनोज तिवारी आपके यहाँ से, मनोज तिवारी जब से आया बहुत हो गई बीमारी, अब तो आगे बढ़ा लो अपनी सवारी। शीला दीक्षित रहेगी हमारी, चौधरी मतीन की बहन, उनसे मिल जाएगा। आप बताइए, आप लोग बताइए कि कौन होना चाहिए आपका अगला एमपी? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जी जी। अरे भैया कांग्रेस आनी चाहिए, झाड़ू ना ये आना चाहिए कमल, ये आई तो मट्टी खराब हो जाएगी भारत की। अच्छा कमल आए तो, हाँ। अगर मान लीजिए अगर आप आम आदमी पार्टी आ जाए तो क्या होगा? आम पार्टी भी नहीं आती। अच्छा वो भी आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं। तो कौन आपके लिए बेहतर? एक बात बताओ, आम पार्टी में काम क्या करा 4.5 साल में, ये बताओ मुझे। काम नहीं करा। मैं बताऊँ? आप बताइए अंकल, आम आदमी पार्टी है कांग्रेस? पार्टी आदमी दिल्ली के लिए सही है, लेकिन केंद्र की सरकार में कांग्रेस आनी चाहिए। अभी 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 केंद्र वाली सरकार में कांग्रेस आनी चाहिए। आप किसे, शीला दीक्षित को या मनोज तिवारी या दिलीप पांडे, कौन आपके लिए बेहतर है? हमारे लिए तो राहुल गांधी बेहतर है। राहुल गांधी बेहतर नहीं, मतलब आपके यहाँ पे एमपी कौन हो सकता बेहतर है? यहाँ पे जो खड़ा हुआ कैंडिडेट वो सही होगा, शीला दीक्षित। अच्छा ये बताओ आपको क्या लगता है भाई साहब, हमारे साथ भाई साहब आपको कौन? नहीं बोल पाऊंगा। आप भी नहीं बोल पाओ? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित बेहतर है। आप बताइए क्यों भाई साहब, इतना शीला दीक्षित क्यों बेहतर है आपके लिए, क्या हो सकता है? पहले अच्छा काम करा दिल्ली में, दिल्ली में काम किया। आपके लिए क्या किया सीलमपुर में? फ्लाईओवर बन गया, रोड बन गए, सड़कें बन गई। अच्छा उन्हीं के दौर में ये सड़कें बनी है? अच्छा इसीलिए आप इस बार शीला दीक्षित को देना चाहते हैं। आपका क्या राय है अंकल जी? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित दिल्ली को दुल्हन की तरह सवार है शीला दीक्षित, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा शीला दीक्षित दिल्ली को दुल्हन की तरह सही कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, उनके राज में मतलब झुग्गी झोपड़ी भी सही रही है, बढ़िया काम हुए हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है जब से तो मिट्टी खराब हुई, बढ़िया लोगों की, मजदूर आदमी तो समझ लो कारोबार से बिगुली बैठ गया। के लिए कौन सबसे बेहतर एमपी हो सकता है, शीला दीक्षित हो सकती है कांग्रेस से, या दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी से, या मनोज तिवारी बीजेपी से, कौन हो सकता है? नहीं हमारे लिए सबसे बेहतर आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे। अच्छा आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे, क्यों आपको लगता है कि दिलीप पांडे बेहतर हो सकते हैं? इसलिए कि जो उनके सुप्रीमो हैं सीएम साहब केजरीवाल, उनसे दिल्ली वालों को बहुत राहत है, हम आगे भी उम्मीद कर सकते हैं हमारे लिए और पूरी दिल्ली वालों के लिए वो बेहतर है। आपको क्या लगता है अंकल जी, कौन हो सकता है आपका सबसे बेहतर एमपी जो तरक्की करे आपके लिए, विकास? केजरीवाल के लिए चल रहा है हमारी, केजरीवाल। अच्छा हाँ। आपको नहीं लगता कि शीला दीक्षित ने सीलमपुर में बहुत काम किया है? तो शीला दीक्षित तो आना चाहिए। शीला दीक्षित मुश्किल है, वैसे केजरीवाल अच्छा ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा ज्यादा काम, लेकिन आपको पता है शीला दीक्षित ने यहाँ पे फ्लाईओवर बहुत सारे बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल कॉलेज उन्होंने। पुरानी है कांग्रेस से थी वो, बनवाए है ठीक है, बाकी वो काम खत्म हो गया उसके, शराब वराब ज्यादा पीती है ना वो। अच्छा शीला दीक्षित शराब, हाँ शराब ज्यादा पीती है, इसलिए उसका काम खत्म कर दिया। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, ताजा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू हिंदी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।